अस्सलामुअलैकुम। आज गुड मॉर्निंग के साथ ही गुड नाइट भी है, क्योंकि अभी शाम का टाइम बिल्कुल होने वाला है और आज घर से बिल्कुल नहीं निकलने वाला, क्योंकि 9-10 मुहर्रम की छुट्टी थी। तो इसलिए यही फैसला किया कि घर पर आ जाए, रेस्ट की जाए और विलाग को भी रेस्ट दी जाए बिल्कुल 2 दिन। तो इसलिए आज और कल कोई वीडियो इस तरह की नहीं बनानी। मोटी मोटी वीडियो ये है कि ये पता नहीं कौन सा पौधा है, इस पे ये फूल खिला हुआ है और वो पीछे भी फूल नज़र आ रहा है, तो इधर भी फूल झूल खिले हुए हैं। आजकल फूल वैसे काफ़ी खिल रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। उसी पौधे का, उसी तरह का ये भी पौधा है, ये फूल है उसका, ये उसकी कली है छोटी सी। तो आज जनाब हमने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई, कल 10 मुहर्रम है और कल भी इरादा यही है कि घर में मुकम्मल तौर पर रेस्ट किया जाए और कोई वीडियो ना बनाई जाए। चमेली शायद या मोती है, और गुलाब के भी कुछ फूल जो है ना वो खिल गए। ये देखना, ये तो बेचारे अब मुरझा भी गए। यानी फिर आज के लिए इतना ही, महरूम अल हराम के आखिरी 2 दिन वैसे भी सुकून ही करना चाहिए तो अपना भी सुकून ही है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मुहर्रम के बाद, अल्लाह हाफिज़। वो जार जिसमें हमने मछलियाँ रखी थी वो ये पड़ा हुआ ना, इसको जरा इधर रखते हैं। ओ उठाते ही टूट गया, देखने इसकी किस्मत, ना उठाते तो इसने सही पड़े रहना था। शीशे अब इसके बीच में डाल देते हैं। ये हमने ऑनलाइन मंगवाया था, याद है पता नहीं 1200 या 1500 का था, पता नहीं 2200 का कितने का था। ये कचरा हो गया, देखे ना अभी आधा मिनट पहले ये बिल्कुल ठीक था, छोटी सी गलती से ये कचरा हो गया, टूट गया। जैसे ये गटर कल बंदे ने पाँव रखा, टूट गया, आप ये उठाया तो टूट गया। चीज़ें भी कितनी नाजुक सी होती हैं, बाज़ुकात हमें पता भी नहीं चलता और टूट जाती हैं। रिश्ते भी इसी तरह ही होते हैं, बड़े नाजुक से हम उन्हें सारी ज़िंदगी संभालते रहते हैं, लेकिन बाज़ुकात हल्की सी टक्कर लगती है उन्हें, जिस तरह इसके टक्कर लगी और वो उधर ही टूट के बिखर जाते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की हिफाजत और कदर करें। खुदा हाफिज़। खाने में आज जो है वो बिरयानी मंगाई थी, चिकन की बोटी बड़ी हुई है, ये कहीं से आया कुछ और लगता है हलीम है। जैसे 9-10 मुहर्रम को अक्सर लोग जो है ना वो हलीम बनाते हैं। इसमें है जनाब काली तोरी जो कि ऑर्गेनिक है, ये चावल पे कहीं से आए हुए हैं और इन्हीं में से कुछ ना कुछ हमने भी खाना है जी। कल जो गोड पनीर वहाँ पे रखी थी अब उसकी ये पोजीशन बन चुकी है, और ये वो बतख के अंडे हैं जो कल हम लेके आए थे फार्म से। अफान ये क्या लेके आ गए? पता ये खांस लिए वो गली में बांध रहे थे मुहर्रम में साहब को। हाँ ये इन्हें कहते हैं ठूठियाँ और इसमें खीर होती है। वो हमारे कदा नहीं बांट रहे थे चले फुदान को देना है, चले फ्रिज में रखे ठंडी करके। निकल आ गया ये बिलाहर अपना खाना, वही चावल और उसके ऊपर डाला हलीम और साथ जो बिरयानी में से बोटी बची थी वो आ गई। ये अपना खाना आज का। बाय बाय।